नमस्कार, मैं आलोक शुक्ला स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन संस्थान परीक्षा प्लस में। कैसे हैं सभी और कैसे चल रही है आप सभी की तैयारी? तैयारी आपकी प्रारंभ हो चुकी है और प्रारंभ हो चुका है आपका फॉर्म भरना। बहुत सारे बच्चे लगातार फॉर्म भर रहे हैं और जैसे जैसे फॉर्म भर रहे हैं उनके डाउट्स लगातार आ रहे हैं, लगातार उनके प्रश्न और उनकी चिंताएं बढ़ती जा रही है। एक ऐसी ही चिंता आपके सामने है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट की जो ग्रुप सी की वैकेंसी है जिसमें जूनियर असिस्टेंट और बात किया जाए पेड अप्रेंटिस वाले पद हैं, इसमें एक बात का जिक्र किया गया है कि उर्दू और हिंदी ट्वेल्थ के साथ कुछ मेंशन कर दिया गया है। दूसरी बात, गणित पे प्रश्न चिन्ह लगा दिया गया है कि कई सारे बच्चे ये कह रहे हैं सर मेरा गणित नहीं था, मैथ्स नहीं था ट्वेल्थ में, तो क्या मैं फॉर्म नहीं भर सकता हूं? तो आपके इन सारे डाउट्स को क्लियर करना, क्योंकि एक एक बच्चे का रिप्लाई देना थोड़ा सा कठिन होता है और इस कारण से मैं आपको एक वीडियो के माध्यम से, छोटी सी वीडियो के माध्यम से सब कुछ बहुत अच्छे समझाना चाहूंगा। अगर आप चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब और से कर लीजिएगा। एक बात समझिएगा, टीम परीक्षा प्लस इलाहाबाद हाई कोर्ट की वैकेंसीज के लिए नंबर एक टीम जानी जाती है और जानी जाती रहेगी। आपके फॉर्म भरने से लेकर आपके सिलेक्शन तक हर एक चीज बहुत बेहतर तरीके से आपको यहां मिलने वाली है। आते हैं हम लोग, ये जो आपका डाउट है ये डाउट मैं आपको क्लियर कर रहा हूं क्या है और इसमें उर्दू हिंदी जरूरी है नहीं जरूरी है, मैथ्स का क्या लोचा है, फॉर्म फिलिंग में इतनी समस्याएं आ रही है वो है क्या, एलिजिबिलिटी से संबंधित, पेड एम्प्लॉई से संबंधित और भी जो समस्याएं हैं सबके बारे में चर्चा करेंगे। यह आपको क्लियर दिख रहा होगा, ये मैं ग्रेड सी ग्रुप सी की बात करूंगा और ग्रुप सी में जूनियर असिस्टेंट के पोस्ट की बात करूंगा जिसमें 932 पोस्ट जिसके लिए निकल के आए, टोटल 932 पे निकला है। साथ में पेड अप्रेंटिस की बात करें तो 122 आपका पेड अप्रेंटिस के लिए निकल के आए। तो दोनों अगर मिला लिया जाए तो कहीं ना कहीं 1000 से ज्यादा पद हैं और 1000 से ज्यादा पद इसमें जो दो कैटेगरीज हैं इनमें बच्चे सबसे ज्यादा कंफ्यूज हो रहे हैं। क्यों कंफ्यूज हो रहे हैं? क्योंकि इन्होंने एसेंशियल क्वालिफिकेशन में एक चीज मेंशन कर दिया, इंटरमीडिएट विथ स्पेशल नॉलेज ऑफ उर्दू एंड हिंदी अलोंग विथ ट्रिपल सी सर्टिफिकेट। अलाहाबाद हाई कोर्ट की एलिजिबिलिटी लगातार प्रश्न चिन्ह बनी हुई है, कभी ट्रिपल सी की समकक्षता को लेके, तो कहीं आपके उर्दू और हिंदी को लेके, कहीं आपके मैथ्स की बात लेके, तो कहीं पे आपका एक जो शब्द है मैपिंग और लैंड सर्वेइंग इसके बारे में क्या है, तो सारी चीजें मैं आपको समझाता हूं, इसके बाद आपका कोई डाउट नहीं रह जाएगा। समझिए इसमें इन्होंने बोला क्या कि इंटरमीडिएट विद स्पेशल नॉलेज ऑफ उर्दू एंड हिंदी, इन्होंने बोला कि आपका ट्वेल्थ होना चाहिए और ट्वेल्थ के साथ साथ आपको हिंदी और उर्दू का नॉलेज होना चाहिए। अब सारे बच्चों के पास हिंदी का तो नॉलेज होता है और कहीं ना कहीं ट्वेल्थ में वो हिंदी लिए भी होते हैं। कई सारे सीबीएसई बोर्ड के बच्चे होते हैं जो हिंदी नहीं लिए होते हैं या उर्दू नहीं ले होते, लेकिन एक बात समझिएगा, इसमें बोला है विद स्पेशल नॉलेज ऑफ उर्दू एंड हिंदी, इसने ऐसा कहीं ये मेंशन नहीं किया कि आपका इंटरमीडिएट में हिंदी या उर्दू सब्जेक्ट होना जरूरी है, और ऐसा फॉर्म भरने में भी कहीं भी नहीं मांग रहा है कि ट्वेल्थ में आपने हिंदी और उर्दू से किया है। तो हिंदी और उर्दू वाले बच्चे बिल्कुल परेशान मत हों कि आपके दिमाग में ये चल रहा हो कि हिंदी या उर्दू ट्वेल्थ में जरूरी है। अगर ऐसा होता तो अधिकांश बच्चे ट्वेल्थ में उर्दू नहीं किए होते हैं और ऐसे में फिर वो क्या करते हैं, फॉर्म का आवेदन नहीं कर पाते, फिर ये सारी सीटें खाली ही चली जाती। तो उर्दू कुछ ऐसा नेसेसरी नहीं है, यहां पर मांगा गया है हिंदी और उर्दू में नॉलेज हो। हिंदी की नॉलेज सभी में होती है और इसमें कुछ ना इसमें कहीं पेपर में पूछा जाएगा, ना ही कहीं आपका इसका क्या होगा इंटरव्यू होने जा रहा है कि आपसे उर्दू में कुछ पूछा जाए, तो आपके ज्वाइनिंग तक कहीं ना कहीं उर्दू पे कोई या हिंदी का कोई भी ऐसी चीजें नहीं पूछी जाएगी, ना ही फॉर्म भरवा रहे। फॉर्म में मैथ का जिक्र जरूर किए हैं जब आप फॉर्म भरते हो, तो जैसे अगर मैं ग्रुप सी की बात करूं, ग्रुप सी क्लरिकल कैडर में, और इसमें कोई बच्चा यहां पे दोनों ही चूज करता है, एक बात समझिएगा यहां पे बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं कि सर क्या अप्रेंटिस और ग्रुप सी दोनों चूज करेंगे तो दोनों के लिए अलग अलग फॉर्म भरना है? नहीं, ग्रुप सी कैडर में ये दोनों ही पद साथ साथ भरना है। कई बार बच्चे बेवकूफी कर देते हैं कि वो केवल चूज करते हैं जूनियर असिस्टेंट ओनली, मत करिए, जूनियर असिस्टेंट पेड अप्रेंटिस बोथ वाला सेलेक्ट करिएगा, क्योंकि आप दोनों जगह एलिजिबल होंगे। जो बच्चा जूनियर असिस्टेंट में एलिजिबल होगा वो जाहिर सी बात है पेड अप्रेंटिस में भी क्या होगा, यहां पे एलिजिबल होगा। पेड अप्रेंटिस बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं सर पेड अप्रेंटिस क्या है, पेड अप्रेंटिस कोई परमानेंट जॉब नहीं है, पेड अप्रेंटिस ये है कि आप वहां पे जितने दिन कार्य करोगे उतना आपको भुगतान किया जाएगा, 1900 ग्रेड पे के आधार पे किया जाएगा, लेकिन फिक्स सैलरी होगी, इसमें आपको डीए और एचआरए नहीं मिलेगा, एक फिक्स सैलरी दे देंगे और उतनी ही सैलरी आपको मिलेगी, वो उसमें कुछ बढ़ेगा नहीं, कोई इंक्रीमेंट नहीं लगेगा, डीए बढ़ेगा तो आपका नहीं बढ़ेगा, इंक्रीमेंट बढ़ेगा तो आपका नहीं बढ़ेगा, आपकी सैलरी फिक्स रहेगी, जो शुरू में पाओगे वो जब तक आप काम करोगे तब तक पाओगे। पेड अप्रेंटिस में कोई ऐसा निर्धारित समय नहीं है कि 1 साल 2 साल 6 महीने ही काम करोगे तभी, जितना दिन तक आप वहां पे लगे रहो ईश्वर की दया से तब तक आपको पैसा मिलता रहेगा।
तो इन केस आपका नहीं हो पाता तो कम से कम कुछ रुपए की व्यवस्था हो जाएगी पेड अप्रेंटिस से और आप उसके जस्ट करीब नंबर लेंगे, अधिक नंबर वाले पछताए ना, इस कारण से पेड अप्रेंटिस वाले भरिए। अब इसमें जब आप मांगते तो इसमें बोला डू यू पोजेसेस द नॉलेज ऑफ डेटा एंट्री वर्ड प्रोसेसिंग एंड कंप्यूटर ऑपरेशन। इसने बोला कि आपके पास कंप्यूटर ऑपरेशन का नॉलेज है, डेटा एंट्री का नॉलेज है, वर्ड प्रोसेसिंग का नॉलेज है, आपको नहीं भी आता है तो भी आप इसे यस कर देना क्योंकि इतना समय है कि डेटा एंट्री सीख जाओगे, डेटा प्रोसेसिंग, कंप्यूटर ऑपरेशन, कंप्यूटर मतलब बिल्कुल कंप्यूटर आज तक देखे ना हो, चलाए ना हो, तब की दशा में भी यस करना, आप कंप्यूटर चलाना सीख जाओगे, ये बात समझिएगा। तो यहां पर यस करना। उसके बाद दूसरा पूछा डू यू हैव मैथमेटिक्स एज वन ऑफ द सब्जेक्ट इन योर इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन। अब पूछ रहे कि आपके ट्वेल्थ में क्या मैथ एक विषय था। चौथा ऑप्शन ट्रिपल सी के बारे में और ट्रिपल सी के रोल नंबर के बारे में। तो कहीं पे हिंदी और उर्दू के बारे में बात नहीं किया है कि हिंदी और उर्दू आपके ट्वेल्थ में था या नहीं था। तो इस कारण से आपको हिंदी और उर्दू की चिंता नहीं करनी है, आपको नॉलेज है या नहीं है मेरे ख्याल से हिंदी शब्द में। और ये जो उर्दू शब्द दिया गया, क्योंकि आपकी जॉब प्रोफाइल ऐसी है कि जब आपको केसेस की होते हैं, जैसे आपने देखा होगा कि बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो बैनामा लिखा जाना है या कोई भी ऐसी केस लिखा जाना है, तो उसमें बहुत सारे शब्द क्या होते हैं, बहुत सारे शब्द उर्दू में प्रयोग होते हैं, तो वो आपको एक नॉलेज की आप को शब्द सुना क्या हो बहुत अनजाना ना लगे। लेकिन हाई कोर्ट वाले भी जानते हैं, जो आपको नौकरी दे रहे हैं वो भी जानते हैं कि जब आप वहां पे एक दो महीना काम करोगे तो अपने आप सारे शब्द और सारे ज्ञान आपको हो जाएगा, तो इसकी कोई बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। रही बात ट्रिपल सी की, तो उसके लिए मैंने आपको बता दिया है ट्रिपल सी में रोल नंबर मांग रहा है, बहुत सारे कंफ्यूज हो रहे हैं कि ट्रिपल सी में क्या डाले, तो उसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। आपके जो डाउट है वो मुझे अभी कमेंट में बता दीजिएगा। अब सबसे पहले मुझे ये बताएंगे कि आप में से कितने मेरे भाई कमेंट करके बताएंगे जिनका ट्वेल्थ में मैथ्स था, मतलब पीसीएम वाले थे, मैथ्स साइड वाले थे, और कितने ऐसे थे जो पीसीबी थे या आर्ट साइड वाले थे जिनके मैथ्स नहीं था, उनके बारे में आपको बता दूं, कमेंट करके मुझे बताना इसमें इन्होंने क्या लिखा है। और ये किसके लिए मैं बात कर रहा हूं, ये मैं केवल जूनियर असिस्टेंट वाले पद की बात कर रहा हूं, पेड अप्रेंटिस की बात नहीं कर रहा हूं। इसमें इन्होंने बोला कि यहां पर आपको एरिथमेटिक आना चाहिए, यहां पर आपका मेंसुरेशन होना चाहिए, एलिमेंट्री लैंड सर्वेइंग और मैपिंग आनी चाहिए, तो ये तो कोई नहीं सीखता। तो इन्होंने ये जो एलिजिबिलिटी एसेंशियल क्वालिफिकेशन में अंक गणित क्षेत्र मिति एलिमेंट्री लैंड सर्वेइंग और मैपिंग की बात किए हैं, ये आपका केवल ये जानना चाह रहे हैं कि क्या आपको इसके बारे में पता है कि नहीं पता है। और इसकी पुष्टि के लिए उन्होंने क्या कर दिया, इसकी पुष्टि के लिए वो चाह रहे हैं कि आपके पास मैथ होना चाहिए। मैथ क्यों होना चाहिए, क्योंकि इसमें एक पद होता है अमीन का, उसको मैं समझा देता हूं आपको कि जूनियर असिस्टेंट के जो पद आए हैं इसमें एक अमीन ग्रेड टू आया है। अमीन का काम क्या होता है, जैसे आप राजस्व विभाग से जुड़े लोगों को अगर जानते होगे तो वहां पे एक पद क्या होता है, अमीन का पद होता है। अमीन क्या करता है, पैमाइश करता है, जैसे भूमि है, जैसे आपके क्या होते हैं लेखपाल होते हैं, तो लेखपाल क्या करते हैं खेतों की पैमाइश करते हैं, ऐसे अमीन भी होता है। अमीन थोड़ा सा क्या काम करता है, फील्ड वर्क और इसका क्लरिकल काम दोनों होता है। ये जैसे मान के चलो कि कोई जमीन है उसमें कितना कितना हेक्टेयर है, कितना एरिया है, उसकी पैमाइश करके उसका लेखा जोखा नाप करके लाता है कि इतना क्षेत्र है तो उसका नक्शा कैसे बनाना है, कोई रोड जा रही है तो उसका लेआउट कैसे बनाया है, LAI कैसे बनाना है, तो ये सारी चीजें आपकी क्या करता है, अमीन करता है। आप ऐसे समझो कि बस पैमाइश से, नाप से, लेखा जोखा से संबंधित कौन होता है, अमीन होता है। तो इस कैटेगरी में क्योंकि आपकी पैमाइश के लिए मैथ्स आनी जरूरी है, आपको थोड़ी क्षेत्रमति की नॉलेज जरूरी है, इस कारण से इन्होंने क्या किया है, इस कारण से इंटरमीडिएट में मैथ मांगा है। तो इन्होंने बोला इंटरमीडिएट विद स्पेशल नॉलेज ऑफ उर्दू एंड हिंदी अलोंग विद अ ट्रिपल सी सर्टिफिकेट इश्यूड बाय नीलेट, ये आपका क्या है, सब ये कॉमन है। फिर बोले कि टाइपराइटिंग ऑन कंप्यूटर, फिर बोले अरिथमेटिक, मेंसुरेशन, एलिमेंट्री लैंड सर्वेइंग एंड मैपिंग, और ये कोई ऑर्डर है, ऑर्डर आपका क्या दिया हुआ है, 26 ऑफ एक्ट नंबर 5 ऑफ 1908 एंड रूल्स रिलेटिंग टू द वर्क एंड ड्यूटीज ऑफ द जूनियर असिस्टेंट। तो ये चीज आपको नॉलेज होनी चाहिए, ये नहीं है तो बाद में हो जाएगी, इसमें कुछ लेखा जोखा नहीं मांग रहा है, तो इसके लिए परेशान मत हो। इन्होंने बोला नोट लगा के कि मैथमेटिक एज अ सब्जेक्ट इन द इंटरमीडिएट इज नॉट कंपल्सरी फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर असिस्टेंट। बोला कि ये कंपलसरी नहीं है किसके, जूनियर असिस्टेंट के पद के लिए, लेकिन कौन से पद के लिए, कैटेगरी सी में, जिसे कॉपीस्ट के लिए, सिविल एंड पुलिस केसेस डायरीज। भाई आप अगर जूनियर असिस्टेंट बनोगे तो वहां पे आपको काम क्या करना रहेगा, आपके सामने केसेस आएंगे, कभी जमीन से मुद्दा आएगा, कभी पुलिस का मुद्दा आएगा, कभी घरेलू मुद्दे होंगे, उनको टाइप करना होगा, केसेस टाइप करना होगा, ऐसे तमाम सारे काम होते हैं। तो आपका इसी में कॉपीस्ट का पद होता है सिविल और पुलिस केस डायरीज में, उसके बाद असिस्टेंट अकाउंट
क्लर्क का होता है, कई बार इसमें आप सैलरी वगैरह बनाओगे तो ये सारा अकाउंट क्लर्क का होता है। एडिशनल क्लर्क कोर्ट क्लर्क होते हैं, एडमिन क्लर्क होते हैं, राइटर और रनर होते हैं, तो ये सारे पद हैं। इन सब में आपके मैस की जरूरत नहीं है, केवल अमीन पद में मैस की जरूरत है। हालांकि मैं एक चीज इनसे बोलूंगा कि भाई जब आपको अमीन के लिए करना ही था, मैथ आप इतना फाड़ू लेवल का, इतना हैवी लेवल का मैथ पूछ ही लेते हो, उसमें सारी क्षेत्रमिति ज्यामिति और ट्रिग्नोमेट्री सब पूछ ही लेते हो, तो इसमें यह भी मैथ करके बच्चों को परेशान करने की क्या जरूरत थी। लेकिन अब चलो इन्होंने अमीन पद के लिए कर दिया है, बट फॉर द पोस्ट ऑफ अमीन ग्रेड टू ओनली दोज कैंडिडेट विल बी कंसिडर्ड हु हैव पास्ड देयर इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन विद मैथमेटिक्स ऑन वन ऑफ द सब्जेक्ट। तो इसका मतलब फॉर्म भरते समय कि अमीन का पद अलग से भरना नहीं, मैंने फिर से बोला कि जब आप फॉर्म चूज करोगे तो आप अप्लाई फॉर फॉर्म आपका देखो जितने पद आए हैं सबके लिए अलग अलग लिंक है। स्टेनोग्राफर का लिंक अलग है, ग्रुप सी का अलग है जिसमें जूनियर असिस्टेंट पेड अप्रेंटिस अलग है, ड्राइवर ग्रेड फोर का अलग है और ग्रुप डी का अलग है। तो आप इस वाले पे क्लिक करोगे और क्लिक करने के बाद जब आप आओगे तो आपका ये ओपन होकर आ जाएगा। अब आपका ग्रुप सी क्लरिकल कैडर में आ गया और आप चूज करोगे बोथ के लिए। इसमें आपसे कहीं ये नहीं मांग रहा है कि अमीन पद की किसके पद, जूनियर असिस्टेंट आपने चूज किया मतलब इसमें जितने पद इन्होंने मेंशन किए हैं ये सारे पद इसमें इंक्लूडेड हैं। अब आप यहां पे क्या करोगे, यस कर दोगे मैथ वाले में, तो जब आपका सिलेक्शन होगा तो आपको जब प्रेफरेंस दिया जाएगा, आपका प्रेफरेंस भरवाएगा बाद में, तो जब आपको प्रेफरेंस आपको पोस्ट अलॉट किया जाएगा तो अमीन को भी हो सकता है, अमीन वाला पद भी आपको मिल सकता है। लेकिन अगर आपने मैथ नहीं किया होगा तो आपको अमीन वाला नहीं दिया जाएगा, बाकी किसी पद पे आपका सिलेक्शन हो सकता है। क्लियर हो गई बात, तो यह ध्यान दीजिएगा कि अमीन इससे सिलेक्शन पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हिंदी उर्दू आपका क्या है, कंपलसरी नहीं है, लेकिन मैथ आपका क्या है, मैथ कंपलसरी है। इसमें अरिथमेटिक मेंसुरेशन एलिमेंट्री लैंड सर्विंग ये अमीन वाले पद के लिए बोला गया है। अगर आप नो कर देते हो तो ये पॉइंट भी उनके हिसाब से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और यस कर दोगे तो ये पॉइंट इंक्लूड हो जाएगा। जबकि पेड अप्रेंटिस में ना ही कोई आपका हिंदी उर्दू और ना ही आपका क्या मांगा है, ना ही आपका कोई मैथ मांगा है, तो इसमें क्योंकि ये पेड अप्रेंटिस है, ये आपका अप्रेंटिस टाइप में होता है, तो इस बात को ध्यान दीजिएगा इसमें कुछ अलग से नहीं मांगा है। इसमें आपको फिक्स्ड सैलरी 1900, यहां पे ग्रेड पे क्या है 1900 रुपया आपका ग्रेड पे फिक्स्ड रहेगा, ग्रेड पे आपका बढ़ेगा नहीं। क्लियर हो गई, मतलब कि अगर 1900 है, जैसे ये है कि हो सकता है इस पे जो सैलरी आपकी बने इस पे ये 50% ये लगा दें, इस पे आपका आचार्य लगना नहीं चाहिए आचार्य, बट आचार्य लगा दें, तो एक सैलरी आपकी 27-28 हजार बनेगी। वो 27-28 हजार ताउम्र बनी रहेगी। अगर आप 10 साल इस पद पे रहते हो तो 10 साल तक आप 27-28 हजार ही पाओगे, इंक्रीमेंट नहीं होगा, आपका ग्रेड पे नहीं बढ़ेगा। क्लियर हो गई बात, कोई प्रमोशन नहीं होगा, आप पेड अप्रेंटिस पे ही रह जाओगे, बस इसका मतलब ये है। इसके अतिरिक्त यदि आपका कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ लो, ट्रिपल सी का भी मैं एक बार आपका दोबारा क्लियर कर दूंगा, और जो भी आपकी समस्याएं हैं वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। मैं आपको बता दूं, सबसे पहले तो भाई जब मैं ये चीज लेके आता हूं तो मुझे बहुत दिल से खुशी होती है कि आप लोग अपने बड़े भाई पे इतना विश्वास किए हो, और यकीनन 24 घंटे के अंदर इतनी ज्यादा संख्या में एडमिशन, आई वॉज नॉट इमेजिन, मैं लिटरली इसे इमेजिन नहीं कर पा रहा हूं कि इतना ज्यादा आप लोगों ने ट्रस्ट किया है। तो भाई बहुत बहुत आभार आप सभी को, और एक बार मुझे कमेंट में बताएंगे जितने बच्चे कोर्स से जुड़े हैं, अगर मेरी वीडियो देख रहे हो तो आप लोग कमेंट में बताइएगा भी रिस्पॉन्स क्या है। आज से आपका बैच चालू हो गया है, आज लगभग सारे क्लासेस चल गई हैं, और आज से सबसे तेज सबसे पहले बैच स्टार्ट करने वाला जिसमें क्लासेस रन हो रही, कोई 10-10, 12-12 तारीख के बाद से बैच चला रहे हैं, क्योंकि हमें पता है 40-45 दिन से समय ज्यादा नहीं मिलेगा, इस कारण से आपका बैच आपका 4 अक्टूबर मतलब आज आया है, और आज से ही मैंने बैच चलाने की घोषणा कर दी थी और बैच आपका सही समय पे चल गया। तो कैसा लग रहा है, डेमो वगैरह देखे होंगे सारे टीचर्स से, इंटरेक्शन कैसा लग रहा है, एक पॉजिटिविटी वाली फीलिंग आ रही कि नहीं कि हाँ यार अब आलोक सर के साथ है, परीक्षा प्लस के साथ है, अब कोई सिलेक्शन नहीं रोक पाएगा, इस बात की गारंटी है। तो भाई अभी जो बच्चे जो दोस्त अभी नहीं जुड़ पाए, फीस तो 100 रुपए बढ़ गई है और ये फीस बढ़ती हुई जाएगी, लेकिन बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे सर आपने 4 तक बोला था, मे बी कंफ्यूजन हुआ था, तो इस कारण से मैंने आपका 100 रुपया कूपन, प्राइस तो कम नहीं कर पाएंगे बट एक कूपन आप लोगों के दिलवा दिए हैं, और ये कूपन AHC 100 कैपिटल में AHC इलाहाबाद हाईकोर्ट वाला ASC 100 लगाएंगे तो आपका ये फिर से कहां पहुंच जाएगा, ये 599 कट के क्या हो जाएगा 499 रुपए ही लगेंगे। तो जो जिस पैसे में बाकी बच्चे ले पाए हैं उसी पैसे में आप भी इसे ले पाओगे, उसमें कोई अतिरिक्त नहीं लगेगा। लेकिन ये शुल्क कभी भी बढ़ सकता है, कभी भी मतलब कभी बढ़ सकता है, क्योंकि आपको भी पता है कि इस बैच में हम कितना मेहनत कर रहे हैं, ये सारे नोट्स तो आपको दे ही रहे हैं। अगर किसी को बैच परचेज करना है, परीक्षा प्लस ऐप डाउनलोड करेंगे, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में है, या गूगल पे स्टोर पे जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। आप पेड कोर्स में जाएंगे ऊपर आएगा, किसी को डेमो देखना है, मैं तो ये बोलूंगा कि सबसे पहले आप डेमो देखिए, आप ऐसे बैच मत खरीदेगा। आपको कई बार क्या होता है, बिल्कुल ऐसा मत सोचिए कि आप कहीं फंस गए हैं, मैं इतना आपको एश्योर कराता हूं, मैं गारंटी देता हूं
कि जब आप परीक्षा प्लस के साथ जुड़ते हो तो आपके सिलेक्शन की जो तैयारी है, जो तैयारी की जिम्मेदारी है, वो हमारी हो जाती है और हम उसमें पूरा जी जान लगा देते हैं, पूरा जितनी भी हमारी ऊर्जा है वो सारी ऊर्जा लगा देते हैं कि हम आपको आपके मंजिल तक पहुंचा पाए। मैं ये भी कहता हूं कि अगर आप सीरियस कैंडिडेट नहीं होगे तब मत जुड़ना, क्योंकि मैं बाद में निकाल दूंगा। क्यों निकाल दूंगा? क्योंकि मुझे जरूरी होता है, हर बैच में मेरा टारगेट रहता है कि मैं मोर देन 80% सिलेक्शन दूंगा। इसका मतलब दूंगा, कोई मेरा सिलेक्शन रोक नहीं पाएगा 80% से ज्यादा सिलेक्शन। अगर 1000 बच्चा बैच खरीदता है तो 800 सिलेक्शन देने की काबिलियत रखूंगा। 100% तो कोई नहीं दे पाएगा, अतिशयोक्ति का कोई मतलब नहीं है। 80% ही कहीं ज्यादा, लेकिन अगर मैं 80% भी टारगेट अचीव कर ले गया तो मैं अपने आप को सफल मानूंगा, वरना मैं असफल हो गया। इसमें बहुत सारे बच्चे होते हैं बैच खरीदने के बाद फिर लापरवाही करते हैं, क्लास नहीं ज्वाइन करते हैं, पढ़ते नहीं है। मैं उन बच्चों को फीस रिफंड करके बोल देता हूं, भैया आप जाओ, हम अपना रिकॉर्ड नहीं खराब करेंगे, अगर आप मेरे साथ हो तो पढ़ना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, सिलेक्शन लेना पड़ेगा, क्योंकि आप सिलेक्शन लोगे तो हमारा रिकॉर्ड बढ़िया होगा। 80% से ज्यादा सिलेक्शन हम देंगे, इस बात की गारंटी है। और ये बात गारंटी जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन आपको दिखा दूंगा कि मैंने कुछ बोला था और यही सत्य है। रही बात कि यहां पे व्यू डेमो, इसलिए कह रहा हूं पहले एक बार डेमो देख लीजिए, आपको लगे कि नहीं जो सर बोल रहे हैं, जो बोलते हैं वो करते हैं और जो नहीं बोलते वो तो और भी बेहतर तरीके से करते हैं। तो ये आपको जब ध्यान हो जाएगा तो व्यू डेमो करके आप पहले देख लीजिए। बाई नाउ पे करेंगे, आपका यहां पे ऑनलाइन का ऑप्शन आएगा, स्कैन क्यूआर का भी ऑप्शन है। अगर आप नहीं चलाते हो यूपीआई वगैरह तो आप स्कैन क्यूआर अपने दोस्त को शेयर कर देंगे या जो भी होंगे वो आपका पेमेंट कर देंगे। और यहां पे परचेज करने के बाद फिर आपका कोर्स हो जाएगा। अब यहां पे बच्चे इसलिए कंफ्यूज रहते हैं कि सर कि इसमें जैसे कोर्स आप परचेज करते हो कुछ दिमाग में आपके क्वेश्चन आएंगे, वो मैं 2 मिनट में अगले क्लियर कर दे रहा हूं। क्लास कब से स्टार्ट होगी? तो क्लास बेटा 4 अक्टूबर से स्टार्ट हो गई है। 45 दिन में सिलेबस कंप्लीट हो पाएगा? बिल्कुल कंप्लीट होगा। हमने इसके लिए क्या किया है, हाइब्रिड मॉडल पे आपका कोर्स चला रहे हैं। हाइब्रिड मॉडल ये कि मतलब हम टारगेट बेस पे चला रहे हैं। आपको टारगेट दिया जाएगा कि आपकी वीओडी, जैसे हमने जो पुराना हमारा बैच था उसको हमने वीओडी के रूप में आपको दे दिया है। वीओडी मतलब वीडियो ऑन डिमांड। तो ये जितने भी पुरानी क्लासेस थी आपको दे दिया गया है। अब आपको क्या बोला जाएगा कि आप पहले इन क्लासेस को पढ़िए, आपको टारगेट दिया जाएगा, हमारे सारे टीचर टारगेट देंगे, ये जो टारगेट क्या है और कैसे मिलेगा, सारे टीचर आपको टारगेट देंगे कि ये क्लास आपको पढ़ने आने, ये नोट्स पढ़ के आना है, ये क्वेश्चन करके आना है, और उसके बाद उसी के आधार पे पूरा लाइव क्लास आपको कराया जाएगा कि मतलब कम समय में ज्यादा से ज्यादा। तो पहले जो हम एक दिन में तीन मतलब एक टॉपिक को 3-4 दिन में खत्म करते हैं नॉर्मल क्लास में, हम इस कोर्स में एक दिन में 3-4 टॉपिक को खत्म करेंगे। और ऐसे में जो हमारा 90 से 120 दिन का कोर्स है वो 45 दिन में समाप्त होगा। हाँ बिल्कुल समाप्त हो सकता है, हमें थोड़ी मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। मैं मेहनत करने से घबरा नहीं रहा हूं, क्या आप घबरा रहे हैं? अगर आप भी नहीं घबरा रहे हैं तो आपके लिए बिल्कुल सटीक बैच है और सबसे सटीक तैयारी यहां पे होनी है। बुक कहां मिलेगी? बुक आपको परीक्षा प्लस ऐप पे ही, जब आप रिकॉर्डेड सेक्शन में जाओगे तो यहां पे आपका स्टेनो का नोट्स अलग लगा हुआ है, ग्रुप डी के नोट्स अलग लगे हुए हैं, और सारे नोट्स जब आप ओपन करोगे तो ये नोट्स कुछ आपको इस प्रकार से दिखेंगे, पीडीएफ इस प्रकार से दिखेंगे, व्यू पीडीएफ करेंगे तो यहां पे प्रिंट का भी ऑप्शन आएगा। उसके बाद अगर कहते हैं कि क्या स्टेनो ग्रुप सी का क्या अलग अलग बैच लेना पड़ेगा? नहीं, स्टेनो ग्रुप सी और ग्रुप डी एक ही पढ़ना है, एक ही बैच रहेगा, क्योंकि ग्रुप डी में स्टेनो लेवल का पूछा है, स्टेनो में ग्रुप सी लेवल का पूछा है, अलग अलग तरीके से पूछा है। तो ये नहीं बोल सकते कि ग्रुप डी है तो इसमें आसान क्वेश्चन पूछेगा, इसमें भी क्वेश्चन बहुत अच्छा पूछता है, इसलिए हम सभी में लगभग एक ही लेवल लेके चलेंगे। दूसरी बात, बीओडी वन क्या है मैंने आपको बता दिया। डाउट कैसे पूछे, आस्क डाउट का सेक्शन दिया हुआ है, वहां पूछ सकते हैं, आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ा जाएगा, वहां पूछ सकते हैं, आप हमारे किसी भी जो संस्थान का नंबर चल रहा है इस पर कॉल करके पूछ सकते हैं, और साथ में हम लोग शनिवार या रविवार या जब भी हमें समय मिलता है तो हम लोग आपको पूरा जो जूम मीटिंग हो गया, जो हमारा गूगल मीट हो गया, उसके आधार पे सारे टीचर आपसे इंटरेक्ट करते हैं, तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं होगा। टीचर से बात कैसे होगी मैंने आपको बता दिया मीटिंग से। परीक्षा प्लस में क्या है स्टडी प्लान, ये है हाइब्रिड मॉडल, और बहुत बेहतर तरीके से आप परीक्षा प्लस ऐप पे जाओगे, इसका मैं डिटेल दिया हूं। परीक्षा प्लस क्यों है बेस्ट? इसलिए बेस्ट है क्योंकि हम जितना प्रॉमिस करते हैं उससे ज्यादा आपको देंगे। मैं 80% अपना सिलेक्शन रेशियो बनाना चाहता हूं, इसलिए बेस्ट है। सबसे कम समय में सबसे बेहतरीन, सबसे कम रुपए में सबसे बेहतरीन क्वालिटी देने का हुनर आपका है। सबसे बेहतर फैकल्टी, चाहे इंग्लिश की हो, चाहे मैथ्स में आपको खुद पढ़ा रहा हूं, चाहे आपका जीएस रमन से इतना बेहतर पढ़ा रहे हैं, अरुण सर आपको हिंदी पढ़ा रहे हैं, हर वो फैकल्टी, हर वो चीज, और कंप्लीट लाइव बैच है। हम औरों की तरह नहीं है कि आपको केवल रिकॉर्डेड वीडियो दे देंगे, लाइव में कुछ छोटे छोटे बोलेंगे, पूरा नहीं पढ़ना है, बस इतना पढ़ लो, हम अपनी काम चोरी नहीं करेंगे, आपको पूरा पढ़ाएंगे और वो हर चीज पढ़ाएंगे जिससे आपका सिलेक्शन हो जाए। इलाहाबाद हाईकोर्ट का पेपर देने जा रहे हो, 3000
वैकेंसी को लड़ने जा रहे हो, कुछ छोड़ के जाओगे तो सिलेक्शन भूल जाना। सब पढ़ के जाओगे, बेहतर तरीके से पढ़ के जाओगे तो सिलेक्शन होगा। हाँ, ये बात अलग है कि सब मतलब ये नहीं कि आप ग्रंथ पढ़ो, लेकिन जो आपका सिलेबस है, जहां से पूछा जाता है, जहां से पूछा जा सकता है, वो सब कुछ आपको कवर कर लोगे तो आपका सिलेक्शन कोई रोक नहीं पाएगा, इस बात की गारंटी है। और यही करवाता है परीक्षा प्लस, इसलिए है परीक्षा प्लस बेस्ट। क्लियर हो गई बात? बाकी अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे आके पूछ सकते हो और बैच से आप जुड़ सकते हो। ये सारी चीजें आपको परीक्षा प्लस ऐप में यहां पे मिल जाएंगे। तो भाई ये जैसे क्लासेस है, ये क्लासेस भी आपको मिलेगी लाइव, वहां पे वॉच करके देख सकते हो। व्यू पेड में क्लास के नोट्स भी आपको सारे दिए जाते हैं। तो मतलब क्या आपको चाहिए? जो आपको चाहिए वो सब कुछ अवेलेबल है बैच में। बाकी फिर भी कोई दिक्कत है तो आप हजारों बच्चे, लगभग मेरे ख्याल से अगर कल परसों तक हुआ तो 1000 बच्चों से ज्यादा एडमिशन हो जाएगा अगर ईश्वर ने चाहा तो। आप उनके फीडबैक, मैं सारे बच्चों को लाइव करा दूंगा और उनके फीडबैक आप ले लीजिएगा, अपने दोस्त से ले लीजिएगा और वो आपको बता देंगे कि हाँ भाई कितना बेहतर है। और मैं सारे अपने दोस्तों से गुजारिश करूंगा जिन्होंने एक विश्वास जताया है, वो एक बार कमेंट बॉक्स में भी जरूर बताएंगे, ताकि जो हमारे नए साथी हैं, जो हमारे नए छोटे भाई हैं, उनको भी आइडिया लगे कि टीम परीक्षा प्लस वाकई में कितनी गुणवत्तापूर्ण टीम है और सिलेक्शन का रेशियो कितना अच्छे तरीके से मेंटेन करती है। फिर मिलूंगा, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, बहुत बहुत आभार।